देखो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस फोर रूट टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट ए लेट बी वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम इफ सी बी द फोकस ऑफ द हाइपरबोला नियरेस्ट टू द पॉइंट ए देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज। देखो इस क्वेश्चन को ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ताकि वहां से ए और बी हमें मिले, ठीक है। तो आप देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स, ठीक। तो अगर रूट टू है तो प्लस टू एड कर दिए, ठीक। माइनस टू का फैक्टर कर लिए तो वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टू वाई, ठीक। रूट टू है तो प्लस टू एड कर लिए। अब देखो प्लस टू और माइनस फोर, माइनस टू हुआ है तो प्लस टू करना पड़ेगा, माइनस सिक्स है लिख लिया। यहां से देखो एक्स माइनस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स वाई माइनस रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर उधर चला जाएगा, तो डिवाइड कर लो तो एक्स माइनस रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वाई माइनस रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू वन। देखो हमारे पास ए स्क्वायर मिल गया बी स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब यहां से इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, यहां से काट लो तो दो ई इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट थ्री बाय टू। अब ध्यान देना वर्टेक्स है ये है हाइपरबोला, ये है आपका हाइपरबोला, ये वर्टेक्स है और ये आपका तो वर्टेक्स का होता है ए होता है और यहां से ए कॉमा जीरो होता है, यही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ए कॉमा जीरो। अब आप देखो इन और इसके बाद क्या रहा है ये जो लैटिस रेक्टम है यहां इस पर ये उसका पूरा हाइट, ठीक। थोड़ा सा नीचे दर्शा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे दर्शाते हैं। आप देखो ऐसे, ठीक, ऐसे ये आपका फोकस है तो ये कितना होता है ए कॉमा जीरो और ये होता है ए कॉमा जीरो। ये फाइनली कितना आता है अगर आप इस पर रख लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन टाइम्स बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई कितना आ गया प्लस बी अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन। ये लेंथ आपके पास बी अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन ये लेंथ, और ये लेंथ आपके पास कहता है ए माइनस ए, ए माइनस ए ये लेंथ आपके पास है, ठीक। और यही ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है, ये वर्टेक्स आपका ए है ये वाला वर्टेक्स, ओके। ये फोकस जो आपका पॉइंट क्या है सी इज द फोकस, ये सी है और ये बी है, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो यही राइट एंगल ट्रायंगल हमें निकालना है। तो बेस पता हो गया कितना हो गया ट्रायंगल का बेस हाफ ऑफ ए माइनस ए, ठीक, और हाइट कितना हो गया बी टाइम्स अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन। सब चीज आपको पता है, ए भी पता है ई भी पता है बी भी पता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया हम। यहाँ देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, ए कितना है आपका ए टू है तो कितना हो गया ए फैक्टर आउट कर लिया तो टू ई माइनस वन, ई माइनस वन, ठीक। बी कितना है आपका रूट टू और अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन, थोड़ा जान बुझ के किए हैं ये, देखो सॉरी इसको नहीं काटो ये टू से टू कट गया तो कितना आ गया ई माइनस वन रूट टू अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन कर देंगे तो थ्री बाई टू माइनस वन कितना आ जाएगा वन बाई टू, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ई माइनस वन तो कितना आ जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू माइनस वन, यही डेल्टा आ गया, यही आपका आंसर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी, इस कदर इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ये फिर फाइनली हमने जब एरिया निकाला रहा तो बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वहां का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई वर्टेक्स और फोकस के बीच का लेंथ कितना होता है और एक लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में वही दोनों लेंथ का प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक। और इससे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के क्या कैलकुलेट किए कि हमारा ए कितना आ रहा है बी कितना आ रहा है और फिर कॉन्सिक्वेंटली हमारा इसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है वो हमने निकाला, और हमारा जो लेंथ था वो ए और ई के टर्म्स में था बी और ई के टर्म्स में था, तो सारे पैरामीटर्स हमें नोन थे, हमने झट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, ठीक है। तो इस कदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।